आज का आखिरी सवाल शामिल कर रहे हैं, ईमेल के जरिए भेजा है ये हमें अमरेंद्र प्रसाद साहू जी ने, कालाहांडी ओडिशा से इन्होंने अपना ईमेल भेजा है और ये बता रहे हैं कि ये प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। अपना पोर्टफोलियो भी इन्होंने बताया है, एज 29 है, वाइफ की एज ऑलमोस्ट 26 ईयर्स, इनके काफी सारे इनफैक्ट देखा जाए इन्वेस्टमेंट्स है, पीएफ में तो कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं, मंथली जो इनकम है इट्स क्लोज टू अराउंड 55,000। इन्होंने एक टर्म प्लान भी लिया हुआ है एचडीएफसी क्लिक टू प्रोटेक्ट, इसके अलावा कुछ म्यूचुअल फंड्स है जो कुछ समय से ये कंटिन्यू कर रहे हैं। इक्विटी में देखा जाए तो लार्ज कैप इनका काफी अच्छा एक्सपोजर है, फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज, इनफैक्ट स्मॉल कैप में भी इनका लगभग 5,000 रुपए हर महीने जाता है, ओवरऑल देखा जाए तो 14,000 के आसपास ये म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं। जीवन सरल का भी इन्होंने जिक्र किया था, तो ओवरऑल देखा जाए तो यूलिप में भी इन्होंने एक्सपोजर लिया हुआ है, काफी सारी जगहों पर इन्होंने निवेश किया और सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क प्लान भी है। इनके कुछ गोल्स हैं इनफैक्ट हर्ष, उन सभी गोल्स की कॉपी आपको भी हमने भेजी थी, जो इन्होंने गोल्स सेट किए हैं और कंपेयर करें अगर इनके पोर्टफोलियो से जो करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, अचीवेबल हैं सभी गोल्स? नहीं, करंट इससे नहीं अचीवेबल हैं, स्पेशली जो रिटायरमेंट का गोल है। अगर हम अगर एक बड़ी बात देखें तो सबसे बड़ी बात पहले इनको कांग्रेचुलेशंस कि इतने प्लान्ड तरीके से जा रहे हैं और आज का ये जो संवाद उनके साथ हो रहा है होपफुली वो इसको देखेंगे तो ये भी उनके लिए फायदेमंद होगा। जो इन्होंने ये यूलिप पॉलिसीज और ये ले रखी हैं ये इनके वेल्थ में को डिग्रेड कर रहा है, इसे सरेंडर करके बंद कर देना चाहिए। इन्होंने टर्म प्लान ऑलरेडी ले रखा है, मेरे ख्याल से हेल्थ प्लान का जिक्र नहीं किया, शायद कंपनी कवर करती होगी, तो भी कंपनी कवर करती होगी तो भी एक टॉपअप प्लान इनको देखना चाहिए। जहाँ तक गोल्स का सवाल है, फंड्स इनके रिलेटिवली अच्छे हैं, एक आध फंड पे कोई नुक्ताचीनी हो सकती है, फंड्स बाकी रिलेटिवली अच्छे हैं। एक चीज जो मिसिंग है वो टैक्स सेविंग फंड्स हैं, तो एग्जैक्टली ये जो 2 लाख की लिमिट है, ये सॉरी 1.5 लाख की जो लिमिट है वो क्या चीज के लिए यूज कर रहे हैं वो इसमें क्लियर नहीं है, तो उतने जो गैप है वो क्लियरली टैक्स सेविंग फंड से इनको यूज करना चाहिए। जहां तक गोल्स का सवाल है, जैसे डॉटर की एजुकेशन का इन्होंने कहा है कि 25 लाख रुपए चाहिए आज के पैसे, तो वो 15 साल बाद चाहिए तो रफली 79 लाख रुपए होते हैं और उतना जमा करने के लिए अगर इक्विटी फंड्स में करते हैं 90% तो रफली इनका 15,000 रुपए पर मंथ का सिप करना होगा। जो डॉटर की मैरिज का कहा है इन्होंने आज के 50 लाख, वो 20 साल के बाद उसकी वैल्यू करीबन 2,33,00,000 हो जाएगी, मतलब बिकॉज उसमें हमने इन्फ्लेशन का अजम्पशन 10% लिया है और क्लियरली उसके लिए 21,500 रुपये इनको डालने होंगे 90% इक्विटी में, 10% आप समझ लीजिए गोल्ड फंड में। रिटायरमेंट फंड आज का अगर खर्चा इनका लेते हैं 25,000 रुपये मंथ का, यानी 3,00,000 रुपये सालाना, उसको अगर हम इन्फ्लेट करते हैं 8% पे, तो जिस साल ये रिटायर होंगे उस साल उसका सालाना खर्चा करीबन 2.25 लाख प्रति महीना होगा या 28 लाख रुपए के आसपास होगा और अगले 22 साल तक वो रहेगा, 80 साल की अगर उम्र हम गिने तो, और तो रफली वो पैसा जमा करना होगा उनको करीबन 6 करोड़ रुपए, तब वो पैसा वो उनके रिटायरमेंट के लिए इनफ होगा और उसके लिए करीबन 10,000 रुपए इनको करने होंगे, यानी कि टोटल 21,000 प्लस 10,000 31,000 और 15,000 करीबन 46,000 रुपीज़ जो है इनको मंथली इन्वेस्टमेंट करना होगा। एग्जिस्टिंग फंड्स हैं वो कर लें, PLSS है वो कर लें, जो PF ऑलरेडी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें जी। इनफैक्ट जो करंट इन्वेस्टमेंट है जैसा एक्सपर्ट ने भी कहा कि आपको बढ़ाना होगा, लेकिन जैसा कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक साथ इतनी बड़ी राशि बढ़ा नहीं पाएंगे, लेकिन साल दर साल जब आप रिव्यू करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को वहां पर 8 से 10% की आप इजाफा जरूर कर सकते हैं SIP में। फंड्स आपको बताएं एक्सपर्ट ने, LSS में भी कुछ फंड्स बताएं, साथ ही इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के कुछ और फंड्स बताएं। शुक्रिया आपका कीमती समय बिजनेस को देने के लिए और आज इंश्योरेंस से जुड़े सभी सवालों को जब शामिल किया है हमने और आपने उनका बड़े ही अच्छे और सरल तरीके से जवाब दिया है।